अस्सलाम वालेकुम, आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है मैं जगह एक्सप्लोर करता हूँ। आज मैं आया हूँ अंदरूने पिंडी में, लाल हवेली के बिल्कुल साथ ये दुकान है। हम बातचीत करेंगे अंकल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा आपकी जो दुकान है ये कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 79 में आया था मैं, 51, तकरीबन 50 साल तो हो ही गए। मेरे वाले साहब इधर आए थे जी, इन्होंने काम स्टार्ट किया था, तो फिर मैं स्टूडेंट लाइफ में इनके साथ टच हो गया। ये पुरानी तो ये लाल हवेली है, और लाल हवेली इतनी पुरानी है कि शायद मेरी पैदाइश से पहले की भी है। तो आगे संजान सिंह की बिल्डिंग है, वो भी बहुत पुरानी है। आगे इसके मेरे लेफ्ट साइड पे एक वो है, वो बिल्डिंग है, वो गुरुद्वारा है, वो भी बहुत पुराना है। और बाकी आगे और आगे चले जाएं, आगे एक वो आ जाता है स्कूल के साथ ही एक वो बिल्डिंग है, वो भी बहुत पुरानी है, वो भी सिखों के टाइम की है। ये भी आज से तकरीबन कई 100 साल पहले इसका नाम था कूचा सेवा राम। यहाँ गेट लगा हुआ था तो यहाँ सिख रहते थे, तकरीबन 100% यहाँ सिख ही रहते थे इस इलाके में ना। तो आस्ता आस्ता फिर वो यहाँ से वो चले गए, इंडिया चले गए, तो यहाँ पर मुसलमान आते रहे। तो यहाँ चौधरी बरादरान बहुत रहते थे इधर सच। यहाँ से वो बैरिया वगैरह चले गए, यहाँ दुकानें बन गई हैं। ये बंद होती है? अपन इस बिल्डिंग में गुजरा है, हम यहाँ खेलते थे, और यहाँ जिस टाइम कश्मीरी रहते थे वो माशाल्लाह यहाँ 70 घर आबाद थे। उसके बाद में शेख रशीद साहब ने ये बिल्डिंग खाली करवाई, उनको ये डेढ़ डेढ़ दो दो मरले के मकान दिए, वो यहाँ से चले गए सब। उसके बाद में ये तवज्जो नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जो है ना बिल्डिंग, ये आप सारा मंजर देख सकते हैं, ये खंडर पेश कर रहा है। कोई यहाँ यानी कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, कोई अपने घरों में से आते थे छतें टपके, कोई वैसे आते थे, कोई तोड़ फोड़ के सारे मामलात निकाल के ले गए। तो अगर इसके ऊपर तवज्जो होती, ये तारीखी बिल्डिंग थी, ये तकरीबन यहाँ हिंदू रहते थे, हिंदू के बाद फिर ये कश्मीरी है, कश्मीरियों के बाद फिर ये आज कम पेश नहीं तो 30 साल हो गए ये शेख रशीद साहब के पास, 18-20 साल उनके पास रही है। उसके बाद तकरीबन 10-1 साल हो गए ये मेमन यूनिवर्सिटी के पास थी, तो उस टाइम आर्मी चीफ भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे जनरल मुशर्रफ साहब, तो उस टाइम वज़ीर आज़म थे शौकत अज़ीज़ साहब,